किया जाना है। आपको बताएं कि गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर गुजरात को 6000 करोड़ रुपए के सौगात। नर्मदा महाआरती लाइव, वॉकवे विद फ्रिस्किंग बूथ और एकता नगर अहमदाबाद हेरिटेज ट्रेन, तख्ती का अनावरण कर इन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वह एकता नगर रेलवे स्टेशन से एकता नगर की ओर अहमदाबाद के बीच चलने वाली स्टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाने की कृपा करें। एकता नगर रेलवे स्टेशन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करता है और यह ट्रेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब हम फिर से सहृदय अनुरोध करेंगे, हरी झंडी दिखाकर आप पब्लिक बाइक शेयरिंग, ई बाइक, ई गोल्फ कार्ट और ई बसों को प्रस्थान करवाएं। ई एकता नगर को ग्रीन एकता नगर बनाने के उपलक्ष्य में ये सौगात दी जा रही है गुजरात के इस अति महत्वपूर्ण स्थल को, एकता नगर को। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता नगर को ग्रीन एकता नगर बनाने के उपलक्ष्य में ये लोकार्पण और ये प्रस्थान ई बाइसिकल, गोल्फ कार्ट्स एवं 30 ई बसों का। शुभारंभ आज इस स्थल से हो चुका है। 12 करोड़ से भी ज्यादा इस प्रोजेक्ट की लागत और यह इलेक्ट्रिक बसें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में पर्यटकों की आवाजाही को और भी सुगम बनाएगी। साथ ही ट्रोमा सेंटर, 4 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल की स्थापना, गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक बाइक शेयरिंग, एकता नगर अहमदाबाद हेरिटेज ट्रेन, ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का आज हुआ शुभारंभ एवं लोकार्पण। विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं भारत के सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका इस विशेष उपलक्ष्य के लिए।